दिव्या और आज जा रहे हैं हम फलाइका आइलैंड। सो ये हमारा ट्रिप बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो और ये पीछे देख सकते हैं हमारी क्रूज। ये हमने फाइनली बोट को बोट कर लिया। हमें लग रहा था कि हम मिस कर देंगे, जैसे टिकट्स पार्सल के पास थे और सना के पास थे एंड नंबर टू इन्होंने प्री पॉन्ड कर दी थी और हमें इन्फॉर्म नहीं किया। वी आर गोइंग अबाउट टू मिस इट, बट किसी तरीके से यस, और हम लोग बोट कर चुके हैं और ये बोट फलिए की तरफ मूव कर रही है और जैसे जैसे मूव आगे करती है और हमारे साथ बने रहिए और इस जर्नी का लुत्फ उठाते रहिए। हमारे टिकट्स हैं जो एक इकोनॉमिक क्लास के हैं, वीआईपी क्लास के भी टिकट्स हैं, बट हम लोगों ने 9 टिकट्स लिए। हमारे संग सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, दिस इज इकोनॉमिक क्लास जो हमें 10 KD के पड़े और ये बड़े अच्छे डिजाइन कर रखे हैं। ये फ्लाइट टिकट्स की तरह लगते हैं, बोर्डिंग पास जैसे। सो इसको संभाल के रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे आपको अपने साथ कैरी करना है पूरी जर्नी तक। वीआईपी टेंट जो एकदम बीच के पास है उसी रेंट पे लिया है, विच कॉस्ट अस अराउंड 50 KD, बट इट इज़ वर्थ ऑफ, क्योंकि इसमें हम लोगों को बाहर भी बैठने के लिए और अपना फायर प्लेस मिलेगा और अपना जैसे अगर हम बीच पे नहाते भी है तो हम लोगों को बात के लिए भी एक स्पेस, पर्सनल स्पेस दी जाएगी। सो उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 9 लोग हैं एंड ये टेंट हम लोगों के काफ़ी सफिशेंट रहेगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं पीछे हमारे व्यू, दैट इज़ आवर बोट जिसमें हम लोग आए थे एंड देन वी क्रॉस दिस ब्लू ब्रिज एंड पासिंग होते हुए
उसी में आ गए हैं। सो बने रहे, अब बताइए कमेंट में कि आर यू एक्साइटेड टू सी मोर फालेका आइलैंड। जहाँ से आप यहाँ पे आपने देखिए एक रेस्टोरेंट है, ये वाटा बीच साइड है। मिनी मार्केट, रिसेप्शन, हेरिटेज, क्वे सिटी इस साइड की तरफ है। घर में आ गए। स्विमिंग करने के बाद जेट स्की करेंगे। द रेट आर लाइक दैट कि 25 KD फॉर वन आवर, 15 KD फॉर हाफ एन आवर। सो जेट स्की का थोड़ी देर में मज़ा लिया जाता है, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी नीट जेट स्कीज हैं यहाँ पे। इसमें बैठ के तो आपको याद आ गई होगी कलकत्ता की, जहाँ पर इस टाइप का कुछ रिक्शा होता था और उसे कुछ लोगों के हाथों खींचा जाता था। तो उसकी कुछ याद दिलाते हुए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। काफ़ी कम्फर्टेबल और फोटो क्लिक करने के लिए एक ऑसम प्लेस। शार्क शार्क शार्क, यहाँ पर कोई शार्क अटैक नहीं है, ये एक छोटी सी प्यारी सी शार्क है जो किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाती। यहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये दीवानिया स्टाइल में इन्होंने सिटिंग दे रखी है, आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और फूड इन्जॉय कर सकते हैं दीवानिया स्टाइल में। अभी थोड़ा सा हम लोग बीच साइड को एंजॉय करके फिर इवनिंग में तो यहाँ बैठेंगे, चिल करेंगे। हेलो गाइस, और अब हम आ चुके हैं सी के अंदर, आप देख सकते हैं। वाओ, विकास भैया, यस, वो भी रात में ले लो, अभी जरा बॉल पकड़ो। Can see beautiful. Oh, पकड़ रही थी या मार रही थी? मैंने सोचा कि पानी में से आपको दिखाया जाए। तो मत पी। अरे शक्कर डाल दे। हम आ चुके हैं बीच के अंदर। yes. पानी अभी बहुत ठंडा है। यस, बट क्या करें, इंजॉय तो करना है। बिल्कुल, बहुत इंजॉय तो करना ही है। यो 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 यो, ये हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे यहाँ आने का, और फाइनली हम लोग अपने दोस्तों के साथ आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। यस, काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे फलाइका आइलैंड आने का, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। तो मुझे लगा कि बीच साइड तो पानी अच्छा ठंडा है, बट अभी वेदर भी गुड, तो वेरी वी आर जस्ट एंजॉयिंग विद आवर फ्रेंड्स। और बीच के मज़े लेते हुए हम हैं बेफिक्रे। सो फाइनली बीच पे बैठ गए, तो हमने कोयत के बीच पे प्लानिंग तो थाईलैंड, मलेशिया, कहाँ कहाँ की थी इन 2 सालों में।
बट अभी सब कुछ बिकॉज ऑफ कोरोना भी थोड़ा सा लाइक इट्स डाइसी टू ट्रैवल आई थिंक सो इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल या जब तक सब कुछ खुल ना जाए दो हम लोग अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं बट यही है सबके सजेशन भी यही है कि जब तक सब कुछ ट्रैवलिंग अच्छे से खुल ना जाए सारे बेटर सिचुएशन हो जाए देन वी विल या एंड द सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एंजॉयमेंट तो बना रहेगा पर जान सबसे ज़्यादा जरूरी है भी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे भी अब काफ़ी अच्छे विंटर आ रही हैं ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ विंटर तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर और करने के लिए जैसे आज हम आ गए हैं कलाई का आ ऐसे ही आपको और जो नई नई जगह हम घुमाते रहेंगे और डेफिनेटली अब विंटर्स आ गई तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह जाएंगे और आपको अपने साथ लेके चलते रहेंगे आर एन फाइव यहाँ आने का एक हमारे सब्सक्राइबर है मैं नाम उनका भूल चुकी हूँ और वो होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर एक स्लाइड में दे दूँगी उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि आप लोग फलाइका आइलैंड जाएँ वो लोग भी जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो जो भी जितने भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमको ज़रूर मिलेगी तो हमें लगा डेफिनेटली सब्सक्राइबर ने बोला तो हम लोग एक उनकी बात तो सराखों पे yes. तो हमें लगा कि एक बार हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे और इस वीडियो में आपको सारा अपडेट देंगे कि कैसे हमने यहाँ से बोट ली और यहाँ का क्या रेंट है तो उससे और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें हैं आप बस लेके बाकी आइलैंड भी देख सकते हैं म्यूजियम है और जहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स जहाँ पर वॉर हुई थी कुछ आर्नमेंट्स वो सब भी है बट हम लोग देख नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग ज़्यादा का टाइम अपना बीच साइड पे इंजॉय करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one.
आइलैंड में और लाइट सब ऑन हो चुकी है. इतना सुंदर व्यू आ रहा है, एकदम ट्विंकल ट्विंकल सा आ रहा है, क्लिटरी सा लुक है, सब ब्यूटीफुल है. और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. और आपको अगले वीडियो में मिलते हैं. और यहाँ पे फलाइका आइलैंड में आने का तो एक दिन तो बंद ही है. इट्स वेरी डिफरेंट, इससे आपको फील होता है कि आप कहीं आउट ऑफ द कुवैत हैं, बट इट्स वेल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज वेल. दिस इज़ द बीच साइड, मेरी लाइटें लग चुकी है. मेरे पीछे देख सकते हैं कि टेंट्स पे लाइट्स हैं, ऊपर भी लाइट्स हैं, एंड सोलर पैनल लगा रखे हैं यहाँ पर. तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है इज जनरेटेड फ्रॉम द सोलर, सो रियली नाइस. बहुत अच्छा वेदर है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग. बेस्ट पार्ट यहाँ यह है कि यहाँ पर जब अगर आप आते हैं तो आप लोग अपने साथ थोड़ा बहुत स्टफ ला सकते हो, वो इंजॉय कर सकते हो. और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है दे आर एक्सपेंसिव बट नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, तो आप लोग भी यहाँ से काफ़ी सारा फूड ऑर्डर कर सकते हैं. हम लोग शीशा भी ऑर्डर करने वाले हैं, हम लोग कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करने वाले हैं यहाँ से. फूड वर रियली नाइस, ड्रिंक्स वर ऑसम. सो हमें लगता है कि डिनर जो है हम लोग घी से ऑर्डर करेंगे और घी से खाएंगे. हम अपने साथ छोटा मोटा कुछ लेके आए, स्नैक्स टाइप्स लेके आए हैं, एंड देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं. हाय मरियम, अगर आप थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं और थोड़ा डिफरेंट मूड में, तो डेफिनेटली फलाइका आइलैंड तो आना बनता है. और अगर आप अपने फ्रेंड्स के संग आना चाहे, फुटबॉल मैच देखना चाहे, और आजकल तो T20 भी चल रहा है, तो इस टाइप का लॉन्च अपने लिए बुक करा सकते हैं. और यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा के आप T20 या फुटबॉल का मैच एंजॉय कर सकते हैं.
अब हम हेरिटेज विलेज के बाहर आ चुके हैं, अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं हेरिटेज विलेज में यहाँ पे क्या है। बिल्कुल, लाइटिंग तो बहुत जबरदस्त लग रही है, अंदर भी देखते हैं क्या कमाल है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दीज आर बैटरी ड्रिवन इलेक्ट्रिक कार्स, मिनी कूपर इलेक्ट्रिक कार। या मिनी कूपर आप रेंट पे ले सकते हैं और ये पूरा हेरिटेज विलेज का राउंड लेगा कि पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यस, आई थिंक द वन आवर दे आर चार्जिंग अराउंड 20 KD, सो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपकी छोटी फैमिली तो 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं और अपने ड्रेस के कलर कोड के हिसाब से अपनी कार को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड पहना है तो मैं रेड कार पे जाऊंगी, बट चेक करते हैं कि अभी खुला है या नहीं, अभी हम रेंट पे ले सकते हैं या नहीं, लेट सी, पता करते हैं अंदर। पंखा ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, प्रॉपर पूरा सेटअप है। दीवानिया कैसा होता है कुवैत में, दीवानिया किसको एक्चुअली बोलते हैं, दीवानिया इज अ प्लेस वेयर द पीपल विल सिट टुगेदर एंड विद चिट चैट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड दे विल एंजॉय द हुक्का शीशा। इस टाइम का दीवानिया होता है, इट्स वेरी कॉमन इन कुवैत, एक्चुअली इट्स वेरी कॉमन इन कुवैत। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कुवैती हाउस दीवानिया, आप देख सकते हैं कि उनके घर के आगे दीवानिया बना होता है जहाँ पे लोग अपने बैठ के फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया दीवानिया, उसके अंदर यहाँ ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, थोड़ा सा मिनी मार्ट है, गेम जोन है, तो वहाँ पे भी बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, क्योंकि समर अभी समर्स ख़त्म हो रही है, विंटर स्टार्टिंग ऑफ विंटर है, तो इट्स परफेक्ट वेदर टू कम ओपन एरिया। तो हम लोग डिनर कर चुके हैं, कबाब की सही चीज में अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है कबाब का। जो ये पीछे लेन जा रही है, ये जा रही है होटल्स पे जहाँ पर आप अपने रूम ले सकते हैं, स्टेकेशन कर सकते हैं, एंड रूम्स अवेलेबल है 1 BHK, 2 BHK फैमिली रूम्स। सो अगर आप चाहें, हम लोग स्टे नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाइक अ वन डे टूर पे आए थे। बिल्कुल, पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आके 1-2 दिन के लिए स्टे भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के संग इंजॉय भी कर सकते हैं। हेरिटेज विलेज में मिनी मार्ट भी है, अगर आप कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी शॉपिंग करना चाहते हैं और कुछ लाना भूल गए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। गेमिंग जोन्स भी है जहाँ पर आप कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट का जो आप देख रहे हैं, ये लोग जो बना हुआ है स्पेस, ये मिनी मार्ट है यहाँ पे, एंड गेमिंग जोन भी है जहाँ पर आके कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। और खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी खुशबू आ रही है ग्रिल्स की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वी रियली नीड यू ऑल योर सपोर्ट, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आप कुवैत रहते हैं तो फलाइका आइलैंड आना तो एक बनता है, इट्स रियली गुड ट्रिप, बहुत एक अच्छा सा फीलिंग आता है, ऐसे लगता है कि आप कुवैत में नहीं है, कहीं और है, कहीं लाइक बैंकॉक या कहीं समवेयर ऑफ लाइक दैट। और अगर दोस्तों के संग आते हैं तो इस ट्रिप पे 4 चांद लग जाते हैं, देन यू कैन एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं और हमारी तरह एक टेंट लेके चिल कर सकते हैं। यस,